दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम सचिन श्रॉफ आज एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। 50 साल के सचिन श्रॉफ आज अपनी सीक्रेट दुल्हनिया के साथ शादी करने जा रहे हैं। सचिन श्रॉफ किसके साथ शादी कर रहे हैं ये अभी तक राज है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर और इंटीरियर डिजाइनर है। सचिन श्रॉफ ने पहली शादी टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 5 के विनर जूही परमार के साथ की थी। दोनों ने शादी के 9 साल के बाद तलाक लिया और अलग हो गए और अब फाइनली 50 साल की उम्र में दूसरी बार शादी रचाने जा रहे हैं सचिन श्रॉफ। सचिन श्रॉफ टीवी का जाना माना नाम है। उन्होंने पिछले साल ही टीवी के सबसे फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से शैलेश लोढ़ा को रिप्लेस किया। सचिन और जूही ने कुछ टाइम तक एक दूसरे को समझा और फिर शादी करने का फैसला किया। वैलेंटाइंस डे के दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ सगाई रचाई और इसके बाद दोनों ने शादी रचा ली। ये दोनों हालांकि अलग तो हो चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच का खट्टा मीठा रिश्ता सबसे अलग है। सचिन और जूही की लव स्टोरी टीवी सेट पर स्टार्ट हुई, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। जूही को एक बार सचिन ने मिलने के लिए बुलाया और शादी का प्रपोजल दिया। जूही ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनका ये कहना मेरे लिए झटके जैसा था। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी और मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या आंसर देना है। मैं अपने आप में कुछ अलग सा फील कर रही थी, जैसा मैंने कभी फील नहीं किया। सचिन को बिना सुने पता चल गया कि मेरी हाँ है और मुझे भी बिना कहे पता चल गया कि हाँ है। सचिन और जूही की शादी 15 फरवरी 2009 में जयपुर के महल में शाही अंदाज में हुई। शादी के दिन एक दूसरे को माला पहनाने के बाद सचिन ने जूही के गालों पर किस भी किया था। जयपुर की टॉप 50 शाही शादियों में से जूही और सचिन की शादियों को भी गिना जाता है। शादी के बाद 2013 में जूही और सचिन मम्मी पापा बने। दोनों ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम समायरा रखा गया। आपको बता दें, बेटी होने के कुछ सालों के बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें आनी शुरू हो गई, लेकिन अफवाहों को खुद उन्होंने नकारा। हालांकि 9 साल शादी निभाने के बाद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो जूही ने सचिन को भुलक्कड़ बताया और सचिन ने भी जूही को गुस्सैल बताकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए थे। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ चुके थे, जिसके बाद जूही और सचिन श्रॉफ ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया और दोनों ने तलाक ले लिया 9 साल के बाद। फिलहाल तो सचिन श्रॉफ के फैंस के लिए बड़ी खबर है। आज खुशी का दिन है क्योंकि 25 फरवरी यानी कि आज सचिन श्रॉफ शादी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आज सचिन श्रॉफ मुंबई में फैमिली और करीबी फ्रेंड्स की मौजूदगी में शादी करने वाले हैं। सचिन श्रॉफ की फैमिली ने दुल्हन की पहचान को सीक्रेट रखा है और ये एक अरेंज्ड मैरिज है। हालांकि सचिन श्रॉफ या उनके परिवार की तरफ से एक्टर की शादी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। खबरों की माने तो एक्टर की होने वाली बीवी को कई सालों से जानते हैं एक्टर और इसके साथ ही सचिन श्रॉफ अपनी बहन की दोस्त से साथ फेरे लेने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। सचिन श्रॉफ की होने वाली दुल्हन ग्लैमर वर्ल्ड से नहीं, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और इसके साथ ही इंटीरियर डिजाइनर भी है और इतनी ही खबरें उनकी दुल्हनिया को लेकर सामने आई है। अगर आपने फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।